आने वाली है और दीपावली आने से पहले हम कितनी सारी तैयारियां करते हैं, घर की कितनी साफ सफाई करते हैं। मैंने भी बहुत सारी की, अभी ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट नहीं हुई है बट चल रही है। और दीपावली आते आते तक सारी तैयारियां हो जाती हैं एंड हम अपना घर को बहुत ही सुंदर सजाते हैं और इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। आपकी भी क्या बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है दीपावली की? मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। हमने कल मार्केटिंग की, बहुत सारी शॉपिंग की, वहाँ पे जाके हमने बहुत सारा सामान दिया जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हाँ तो यार दिवाली आने वाली है, दिवाली आने से पहले बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही होती है क्योंकि मैं दिवाली में बहुत ज़्यादा मेकअप करने मिलता है, न्यू ड्रेसेस पहनने मिलती है, बहुत सारा फोटोशूट होता है और हम अपने दीपावली को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। एंड सबसे मोस्ट फेवरेट मेरा जो पार्ट है वो है हमारा रंगोली लाने का, क्योंकि हम अपने आंगन को सजाते हैं, अपने घर को सजाते हैं और अपने घर के आंगन में बहुत ही अच्छी अच्छी रंगोली डालते हैं। एंड मैंने भी एक डिज़ाइन चूज़ करके रखी है रंगोली की एंड मैंने कुछ तैयारी की है दिवाली की, सॉरी तो दिवाली की कुछ शॉपिंग की है मैंने, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हुई है। शॉपिंग और सबसे प्यारा मुझे सबसे ब्यूटीफुल चीज़ मुझे ये लगी है जो आर्टिफिशियल ये फ्लावर हैं, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, है तो नकली लेकिन हमेशा खिले हुए रहेंगे, कभी बासी नहीं होंगे, कभी मुरझाएंगे नहीं क्योंकि ये नकली हैं। और ये जो मिट्टी के लैम्प है ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसको मैं बाहर रखने वाली हूँ, बाहर इसको हम ऐसे दिया लगा के दीपावली के दिन टांग देंगे, तो ये बहुत यूनिक सी चीज़ है, फर्स्ट टाइम हमने लाया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और थर्ड चीज़ ये जो है ये लक्ष्मी जी के पाँव हैं और कितना तो प्यारा दिया है, ये लग ही नहीं रहा कि ये दिया है, फर्स्ट टाइम हमने देखा और बहुत पसंद आया और उस दुकान वाले के सारे दिए ये वाले बिक गए, ये भी अच्छा लग रहा है, इससे भी हम अपने घर को सजाने वाले हैं। और एक तो ये है, ये वाला सबसे बड़ा है, ये वाला झूमर इसको हम लगाएंगे अपने मेन गेट पे क्योंकि इसमें बने हैं गणेश जी और गणेश जी से ही हम शुरुआत करते हैं अपने घर की, तो सबसे मेन गेट पे ही हम ये वाला झूमर टांगने वाले हैं। और ये सारे दिए हैं, जो शुभ लाभ वाला दिया है वो हम अपने भगवान जी के रूम में रखेंगे, ये वाला। वाह, ये सारी चीज़ें हमने दिवाली के लिए ली हुई हैं, ये हमारे झूमर जो कि हम अपने वॉल पे लगाने वाले हैं, जैसे कि वो गेट है ना उस दरवाजे पे लगाएंगे। एंड ये हमारा दिए रखने का, ये तुलसी जी पे ही रखेंगे, तुलसी जी के ऊपर ये साइड पे रखेंगे या फिर उनके ऊपर रखेंगे, इस पर एक दिया आएगा एंड ये दीपावली के दिन ही हम निकालने वाले हैं। सेकंड है हमारे ये, कितना प्यारा लग रहा है, ये देखो पैर हैं, ये लक्ष्मी जी के पैर हैं शायद ये बनाए गए हैं, और ये हमें रखने होंगे अपने बाहर के जो गेट रहते हैं ना वहाँ पे, इसमें दो दिए आएंगे, दो दिए जलेंगे, ये फिर से एक झूमर और है। और ये है हमारा लैम्प, जैसे कि हम रात भर अपना लैंप जलाएंगे ना, एक दिया रहता है जो हमें जला के रखना होता है रात भर, तो उसके अंदर ये दिया आएगा, यहाँ पे बाती है तेल और ये उसके ऊपर लैंप,
ये चीज़ ऐसा सेट रहेगा। ये चीज़ हमने लाया है, एंड ये है एक दिया शुभ लाभ, ये हम अपने भगवान जी के कमरे में रखेंगे। एंड ये हम अपने दरवाजे के लिए झूमर लाए हैं, इसमें गणेश जी भी बने हुए हैं। बहुत सुंदर लग रहा है ये वाला तो। और ये कुछ डेकोरेशन के लिए घर के लिए ये सामान लाया है, ये फ्लावर लाया है, नकली है ये पर लगते हैं असली। ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं इस पॉट के साथ, तो इसको हम यहाँ पे उस सेंटर पे रखेंगे। और ये है कुछ सामान हमारे, और ये क्या है, ये है ये मिट्टी का ही है, ये लैम्प है, इसके अंदर एक दिया जलेगा और इसको हम कहीं पे भी टांग सकते हैं। ये देखिए कहीं पे भी लटका सकते हैं, दरवाजे में, बाहर या अंदर, कहीं पे भी हम इसे रख सकते हैं। ये इतनी सारी चीज़ें हमने कुम्हार की दुकान से लाए हैं। ये भी मिट्टी का है, ये भी मिट्टी का है, ये भी मिट्टी का है, एंड ये भी मिट्टी का है, सभी चीज़ मिट्टी के हैं। और ये तो आर्टिफिशियल हैं, पम पम और पता नहीं क्या क्या मोती वगैरह से बनता है ये। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है हमारी रंगोली। तो हमने रंगोली के बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं लाए हैं क्योंकि हमारे पिछले साल के भी बचे हुए हैं। कुछ कलर हमने लाए हैं, ग्रीन, रेड, पर्पल, येलो, वाइट, ये पाँच छः कलर हमने लाए हैं। बाकी कलर हमारे और रखे हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, हिरण है या चीतल है जो भी बना हुआ है, बहुत आई थिंक हिरण है ये, बहुत प्यारा लग रहा है। लैम्प दीपावली में ही निकलेगा। ये है झूमर प्यारे प्यारे, ये है सुबला वाले दिए जो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, सब मिट्टी के। हमने एक चीज़ नहीं लिया है फटाके, क्योंकि फटाके वैसे भी बंद हैं हर जगह, वैसे तो बहुत सही जगह मिल भी रहे थे मार्केट में, लेकिन हमने नहीं लिया क्योंकि हम प्रदूषण नहीं करने वाले हैं। ये झूमर है, ये वाला दिया है, ये तुलसी जी में जाएगा। और ये प्यारा सा फ्लावर जिसे हम अपने घर को डेकोरेट करेंगे, अभी इतना प्यारा दिख रहा है। और ये हैं थोड़े से कुछ कलर हमारे रंगोली के, बाकी तो हमारे पुराने रखे हैं, तो वाइट बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, बाकी इन कलर का हम यूज़ करेंगे। और पिछले साल के और उसके पिछले साल के भी हमारे काफ़ी सारे कलर्स रखे हैं रंगोली के, तो हम उनको यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हमने सिर्फ पाँच ही कलर लाए हैं। बाकी हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी दीपावली की, दिए, सजावट का सामान, ये वाला दिया, ये वाला दिया, ये लैम्प और ये सारे झूमर, इनको हमने लिया है क्योंकि इसी से हम अपने घर को डेकोरेट करने वाले हैं और इससे डेकोरेट करने वाले हैं। बाकी लाइटिंग तो हमारी रखी ही हुई है, लाइटिंग भी हम यूज़ करने वाले हैं। और पटाखे, फुलझड़ी, ये सारी चीज़ें हमने नहीं लिया है, सिर्फ हम दिए जलाएंगे और अच्छे से दीपावली हम अपनी सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो ये रही मेरी दीपावली की शॉपिंग।